हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ टाइम मैनेजमेंट पर। क्योंकि ज़्यादातर हाउसवाइफ होती हैं, उनकी कंप्लेन होती है कि हमारे को बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है। क्योंकि ईश्वर ने हर व्यक्ति को 24 आवर्स ही दिए हैं, इसमें उन्होंने कोई भी भेदभाव नहीं किया है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ महिलाएं एकदम पेंडेंट होती हैं, उनका घर भी काफ़ी व्यवस्थित होता है, वो खुद भी काफ़ी व्यवस्थित होती हैं और वो सारा काम भी खुद ही करती हैं। तो क्या कारण है कि हम में से कुछ महिलाएं हेल्पर लगाने के बावजूद भी हमेशा बिजी रहती हैं, उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है और वो काफ़ी अव्यवस्थित होते हैं, उनका घर भी काफ़ी अव्यवस्थित होता है। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम्स के लिए मैं लेकर आई हूँ आज एक ऐसा वीडियो जो आपको टाइम का एफिशिएंट यूज करना सिखाएगा। हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमारा सबसे ज़्यादा समय कहाँ नष्ट हो रहा है। तो इसके लिए आप कोई 2 या 3 दिन ले लीजिए, उसमें आप जो भी एक्टिविटी है उसको आप नोटबुक में नोट कर लीजिए। जैसे आप सुबह जितने बजे उठे, उसके बाद आप जिस समय रात में सोए, तो आप सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक जो भी आप एक्टिविटी करते हैं, आप जिस समय किचन में गए या आपने कोई भी एक्टिविटी की, तो आप उसे सुबह से लेकर रात तक पूरी एक्टिविटी को आप नोट डाउन कर लेंगे। आज से कुछ साल पहले मेरा टाइम बहुत ही अनमैनेज हो गया था, तो उसके लिए मैंने यही तरीका अपनाया था। मैंने एक नोटबुक में सारा कुछ नोट किया था, पूरी एक्टिविटी, जिससे मुझे पता चल गया था कि 2 एक्टिविटी के बीच कितना टाइम मेरा वेस्ट हो रहा है। और हम कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें हम बात भी कर सकते हैं, तो उनको हम छोड़ देंगे। जिससे कि हमें अपनी, मुझे जैसे कोई ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी है या मुझे कुछ आर्टिकल्स और कविताएं लिखनी है, तो उसके लिए भी मुझे समय मिल जाएगा। मैंने इस तरह से बनाया था, आप भी सुबह उठने से लेकर रात तक आप बना सकते हैं। 7:30 पर डिश वॉशर में बर्तन वॉश करने के लिए लगाए हैं और पूजा के बीच 30 मिनट्स का गैप है, क्योंकि 30 मिनट तो लगते नहीं है। तो हम देखेंगे कि जो टाइम लैग है ये किस कारण से आया है। इसी तरह से डस्टिंग में भी 20 मिनट्स लगता है और हम देख रहे हैं कि इसमें 45 मिनट का गैप है। तो हम देखेंगे कि बाकी के 25 मिनट्स कहाँ वेस्ट हो रहे हैं। अब जब आपने सारी एक्टिविटी नोट डाउन कर ली, तो आप देखेंगे कि कुछ एक्टिविटी जो है वो एक पर्टिकुलर समय पे ही होती है। जैसे कि आपको हस्बैंड को लंच देना है, डिनर देना है और ब्रेकफास्ट देना है, तो वो आपका एक पर्टिकुलर टाइम पे ही होगा। फैमिली मेंबर भी पर्टिकुलर टाइम पे ही खाएंगे, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। तो इस तरह की जो एक्टिविटी है, इनका टाइम तो फिक्स है, तो हम इसे फिक्स एक्टिविटी में डाल देंगे, हम इनका टाइम चेंज नहीं कर सकते। अब इसके बाद आप अदर एक्टिविटी देखेंगे कि कुछ एक्टिविटी जो है आप उनको 2 दिन में एक बार भी कर सकते हैं या कुछ 1 वीक में भी कर सकते हैं। जैसे डस्टिंग है, डस्टिंग आप चाहे, यदि आपके समय कम है तो आप 2 दिन में एक बार भी कर सकते हैं या डेली भी कर सकते हैं। इसी तरह से लॉन्ड्री है, तो लॉन्ड्री को आप 1 दिन में ना करके आप 2 दिन में एक बार भी कर सकते हैं, जिससे कि आपका काफ़ी समय बच जाएगा। ये आपकी इच्छा और आपके टाइम पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिसिटी स्विच है, तो उन्हें तो आपको डेली नहीं करना होता, आप चाहे तो 1 वीक में ही आप साफ करेंगे तो भी ज्यादा गंदे नहीं होंगे वो, क्योंकि डेली तो कोई साफ भी नहीं करता। इसी तरह विंडो क्लीनिंग है, तो कुछ चीजों को आप 1 वीक में एक बार रख लीजिए, और उसके बाद कुछ जो चीजें हैं, जैसे जैसे डिनर, ब्रेकफास्ट और लंच, इसे तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से हाउस क्लीनिंग है और यूटेंसिल क्लीनिंग है, उसे भी आपको डेली करना है। चाहे आप हेल्पर की मदद लें, चाहे आप खुद करें या आप डिशवॉशर में क्लीन करें। मिनट के लिए मैंने यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट की एक्टिविटी शीट बन बनाई है, जिसमें उठने का टाइम लिखा है। मान लीजिए 5:50 है, तो वो हम लिख लेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा गैप छोड़ के उसका जो भी आपका ब्रेकफास्ट का टाइम होता है वो नोट कर लेंगे। यहाँ पे ब्रेकफास्ट का टाइम 9 to 9:30 लिया है। अब इसके बाद हमारे पास टाइम रह जाता है 9:32:11। ये हमारा हो गया 1 1.5 आवर्स। अब इसमें आप कोई भी हाउस होल्ड वर्क करेंगे, जैसे आप डिश क्लीनिंग है, जो भी आपके बर्तन है, जो भी काम होंगे वो आप लिख लेंगे सारे दिन भर का। अब इसके बाद इलेवन टू
वन। अब 11 to 1 है आपका ओन टाइम या मी टाइम? इसमें आप कोई भी हॉबी के लिए रख सकते हैं, आप कोई बुक पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड हमने 1 बजे तक का तो टाइम मैनेजमेंट एक्टिविटी शीट वन में बना लिया था, अब 1 बजे से बनाते हैं। सबसे पहले जो फिक्स टाइम है लंच का वो लिख देंगे, यहाँ पर मैंने 2 to 2:30 लिखा है। इसी तरह से टी टाइम भी लिख देंगे, बाकी एक्टिविटी बाद में लिखेंगे। अब जैसे मान लीजिए 1 से 2 है, तो इसमें आप क्या करेंगे? इसमें आप करेंगे प्रिपरेशन, इसमें आप लंच की प्रिपरेशन करेंगे, साथ ही आप चाहे तो टीवी वॉच करते हुए भी देख सकते हैं ये, या आप कोई भी छोटा मोटा काम है वो आप कर सकते हैं। आप चाहे तो डिनर की तैयारी भी करके रख सकते हैं। 2:30 to 3 आपका यूटेंसिल क्लीनिंग और हाउस होल्ड वर्क के लिए समय है। 3 to 3:30 आप रेस्ट टाइम है, आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। 3:30 to 4:30 आपका फ्री टाइम है। 4:30 to 5 आपका टी टाइम। फिर 5 to 6 आप हाउस होल्ड वर्क के लिए रखेंगे, इसमें आप जो भी चाहें वो कर सकते हैं। जैसे आप क्लोथ फोल्ड कर सकते हैं, अलमीरा मैनेज कर सकते हैं, इसी तरह के कोई भी वर्क कर सकते हैं। 6 to 7 आप वॉक कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। 7 to 8:30 आपका फैमिली टाइम है, जिसमें आप कोई भी वर्क नहीं करेंगे, फैमिली के साथ समय बिताएंगे। इस तरह से एक्टिविटी शीट 3 भी बना लेंगे, इसमें को टाइम और एक को एक्टिविटी लिखिए। 8:30 to 9:30 आपका प्रिपरेशन फॉर डिनर है, प्रिपरेशन फॉर नेक्स्ट डे। आपको कोई आलमंड्स या वॉलनट शो करने तो वो भी कर लेंगे। 9:30 to 10 आपका डिनर टाइम है। 10 to 10:30 बहुत डिशेज किचन में जो भी वर्क होगा वो आप कर लेंगे। 10:30 to 11 आप अपना पर्सनल रूटीन फॉलो करेंगे, जैसे नाइट क्रीम लगानी है, ब्रश करना है, वो सब। उसके बाद 11 है आपका स्लीप टाइम। पहले आपकी कंप्लेन थी कि आपके समय नहीं, अब देखिए आपके समय ही समय है। आइए कुछ और टाइम सेविंग टेक्निक्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब जब हमने सारी एक्टिविटी नोट कर ली तो हम उसको प्लानिंग में तब्दील करेंगे। जैसे कि लंच का टाइम है तो उसे पर्टिकुलर समय में तैयार करना, तो वहाँ पे हम लिख देंगे। इस तरह से हम अपने टाइम को मैनेज करेंगे। कई बार आप सोचते हैं कि आप अकेले ही सारा काम कर रहे हैं, कई बार आपने बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली, आपके फैमिली मेंबर और बच्चे तब भी आपकी कोई हेल्प करने के लिए तैयार नहीं होते। यदि करते हैं तो अच्छी बात है, यदि नहीं करते हैं तो आप इसके लिए ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। आप अपने समय का इस तरह से सदुपयोग कीजिए, इस तरह से उसे एफिशिएंट बनाइए कि आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत ही नहीं पड़े। अब आप मेरे साथ इस वीडियो में ये तो देखेंगे मैं जो तरीका अपनाऊंगी कि आपका समय कहाँ कहाँ नष्ट हो रहा है, परंतु ये जब हमें पता चल जाएगा कि हमारा समय कहाँ कहाँ नष्ट हो रहा है, उसके बाद भी सबसे पहले हमें प्रायोरिटाइज करना होगा काम को, कि हमें कौन सा काम पहले करना है, कौन सा लास्ट में करना है। यदि हमने काम को अच्छे से प्रायोरिटाइज कर लिया तो फिर हमारा आधा काम वैसे ही हो जाएगा। जैसे आप मॉर्निंग में उठे, जो भी आपका टाइम है आप उसमें उठे, तो सबसे पहले आप 2 ग्लास पानी गर्म कीजिए माइक्रोवेव में और उसे पी लीजिए। उसके बाद रात में भीगे हुए 4 बादाम और 2 अखरोट अगले दिन मॉर्निंग में सुबह ले लीजिए, उसे बारीक बारीक चबा लीजिए। उसके बाद आप चाहें तो ग्रीन टी, लेमन टी या कोई भी टी ले सकते हैं। और उसके बाद यदि आप चाहें तो एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। यदि आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं तो आप 10 मिनट के लिए कोई रिलैक्सेशन म्यूजिक चला लीजिए और उसे आप लगा के थोड़ी देर आंख बंद करके बैठ जाइए, जिससे कि आपको काफ़ी रिलैक्स मिलेगा और आज सारा दिन आपके अंदर अच्छी एनर्जी रहेगी। और उस समय आप पूरे दिन भर के लिए टू डू लिस्ट बना लीजिए कि आपको क्या क्या काम करना है। यदि आपके कोई गोल है तो वो भी आप सेट कर लीजिए। जैसे आप समय बचाने के लिए मॉर्निंग में जब आप ब्रेकफास्ट तैयार करते हैं उसी समय आप लंच की और डिनर की वेजिटेबल तैयार कर लीजिए, सब्जी बना के तैयार कर लीजिए, साथ ही आटा कर लीजिए। आटा दोनों टाइम का तैयार हो जाएगा। उसके लिए आप 2 चम्मच उसमें घी लगाइए, उससे अच्छे से मल लीजिए, जिससे कि आटा जो है वो दोनों टाइम चल जाता है और ख़राब नहीं होता। जितना आटा आपका यूज होगा, मड़ा हुआ आटा जितना आपका यूज होगा उसे आप यूज कर लीजिए, बाकी का फ्रिज में रख दीजिए। हाँ, मैं अगले दिन वो आटा यूज नहीं करती हूँ क्योंकि मैं ताजा ही अगले दिन आटा करती हूँ। और आप कोशिश करें कि एक दिन पहले ही सारी वेजिटेबल चॉप करके रख लें, और साथ ही यदि कोई टमाटर की प्यूरी वगैरह तो वो भी आप पीस के रख सकते हैं, जिससे आपका मॉर्निंग में जल्दी जल्दी आपका काम हो जाएगा। ज़्यादातर हाउसवाइफ कहते हैं कि हम संडे को एंजॉय नहीं कर पाते हैं टाइम को,
अक्सर हाउसवाइफ के साथ प्रॉब्लम होती है कि वो ज़्यादातर काम संडे के लिए रख लेती है, जैसे बाथरूम क्लीनिंग है, इस तरह के जो भी बड़े काम है वो संडे के लिए रख लेती हैं। तो मेरी हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश है कि कृपया आप ऐसा ना कीजिए, क्योंकि आपको भी संडे को एंजॉय करना चाहिए। उसके लिए आप जो वीक के 5 डेज हैं, मंडे टू फ्राइडे, उसमें आप सारा काम निपटाने की कोशिश कीजिए। यदि कोई काम रह जाता है तो आप सैटरडे को कर लीजिए, जिससे आप संडे को सिर्फ ज़रूरी ज़रूरी काम करेंगे और आप अपनी फैमिली को भी एंजॉय कर पाएंगे। यदि आप अपना सारा काम व्यवस्थित कर लेते हैं तो संडे को आप फ्री रहेंगे और अपनी अपनी फैमिली और बच्चों के साथ भी क्वालिटी टाइम एक्सपेंड कर पाएंगे, और आप कहीं घूमने भी जा सकते हैं, कहीं का भी प्लान बना सकते हैं, और आपको अगले दिन के लिए भी काफ़ी एनर्जी मिलेगी, जिससे कि आप अपना नेक्स्ट वीक का जो भी टारगेट या गोल है वो आप उसे अच्छे से अचीव कर पाएंगे। आज मैंने आपसे टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारी बातें की हैं। मैं चाहती हूँ कि आप इसे अपने जीवन में अपनाएं, जिससे कि आप अपना जीवन पूरे तरह से व्यवस्थित कर पाएं और आप अपने जो भी गोल्स हैं, जो भी आपने सेट किए हैं या डेली के ही आपके जो गोल हैं, उन्हें अच्छे से अचीव कर पाएं। आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, आप खुद को व्यवस्थित करें, जिससे कि आप एक बहुत ही खुशहाल जीवन जी पाएंगे और आप एक बहुत ही स्मार्ट वूमेन के तौर पर जानी जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारी टेक्निक्स के बारे में बात करूँगी।